तेलंगाना में हमें ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस, इन बातों का इजहार मजलिसी लीडर सैयदा फलक ने किया है। सैयदा फलक मजलिस के इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और उन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी और जद्दोजहद के बारे में भी बताया है। देखिए सैयदा फलक ने क्या कहा। इस बार हमें उन्हें बताना है कि हैदराबाद में हमें ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपनी खुद की सियासी जमात है जो हैदराबादियों के दिलों पर राज करती है। नसीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में पूरे मुल्क के माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, तो यहाँ असेंबली में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना के माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमपी है, 7 MLA से, 2 MLC से, कई कॉर्पोरेटर्स है, ये अवाम का भरोसा है, ये अपनी ताकत है, तो आपकी अपनी जमात में ताकत का इजाफा करिए। 30 नवंबर के दिन हवा में पतंग ऐसे फिलाओ कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आए। अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करके जुल्फिकार अली साहब को भारी एक्सपीरियंस से मुंतखब करिए। मजलिस के कारकुन 24 घंटे आवाम के लिए हाजिर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहनुमाई में चाबिनार हल्के में कई तरक्कियां भी काम हुए हैं। यहाँ पे सीसी रोड बनाए गए, बीटी रोड बनाए गए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोड वाइडनिंग का काम हुआ, वाटर प्लांट बनाए गए, रेनोवेशन का काम हुआ। 24 घंटे यहाँ पे लाइट और पानी का प्रॉब्लम नहीं है और चारमीनार हल्के के सभी कॉर्पोरेटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। और अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में जुल्फिकार अली साहब उस काम को आगे बढ़ाएंगे और असेंबली में आपके मसाइल को पेश करेंगे।